नमस्कार, मैं हूं यश खुराना और आप देख रहे हैं एपीटीवी भारत। हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या मामले में बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। उनकी हत्या भले ही लखनऊ में हुई हो, लेकिन उनकी साजिश दुबई में ही रच दी गई थी उनकी हत्या के लिए। और आपको बता दें कि गुजरात एटीएस ने दावा किया है कि उनकी हत्या के मामले में जिस पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है वह सूरत से खरीदी गई है। देखिए इस रिपोर्ट में। एक ऐसा हत्याकांड जिसे लखनऊ में अंजाम दिया गया, एक ऐसा हत्याकांड जिसकी साजिश दुबई में की गई, लेकिन हत्या को अंजाम देने के लिए पिस्टल सूरत से खरीदी गई। दरअसल हम बात कर रहे हैं कमलेश तिवारी हत्याकांड की, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस ने 24 घंटे के भीतर ही सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने कहा कि घटना स्थल पर मिठाई का डिब्बा बरामद हुआ था और वही अहम सुराग बना। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की गला रेत कर शुक्रवार को लखनऊ में हत्या कर दी गई। हमलावर मिठाई के डिब्बे में हथियार लेकर आए थे। भगवा कपड़े पहने हमलावर मिठाई के डिब्बे में चाकू कट्टा लेकर खुर्शीद बाग के इलाके में स्थित तिवारी के दफ्तर में आए थे। उत्तर प्रदेश के DGP OP सिंह ने बताया कि मिठाई का डिब्बा इस केस में सबसे अहम सुराग था। इसी मिठाई के डिब्बे को आधार बनाते हुए पुलिस की टीमें गठित की गई और जांच उत्तर प्रदेश से होते हुए गुजरात तक जा पहुंची। दरअसल मिठाई का डिब्बा सूरत जिले की एक दुकान से जुड़ा था। इस मामले में गुजरात में मौजूद उस मिठाई की दुकान के आसपास के CCTV फुटेज की छानबीन से संदिग्ध फैजान यूनस की पहचान की गई। फैजान नाम के इस शख्स ने मिठाई खरीदी थी। UP DGP के मुताबिक रशीद पठान नाम का शख्स इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। यूपी पुलिस के DGP OP सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। ये तीनों इस हत्याकांड में शामिल रहे हैं। इनके नाम रशीद अहमद पठान, मौलाना मोहसिन शेख और फैजान है। बता दें कि कमलेश तिवारी ने साल 2015 में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित बयान दिया था। इसे लेकर काफी हंगामा हुआ था, जिसके बाद कमलेश तिवारी की विवादित बयान देने के चलते गिरफ्तारी हुई थी। मुस्लिम समाज ने कमलेश तिवारी को फांसी देने की मांग की थी। फिलहाल वह जमानत पर रिहा चल रहे थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने अभी हाल ही में कमलेश तिवारी पर लगा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि रासू का हटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, APTV भारत। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।